नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो पैसा कमाना आपका मेन मोटिव होता है, और पैसा तभी आप कमाते हैं जब अच्छा काम करते हैं, अच्छे व्यूज आते हैं और आपकी अर्निंग बढ़ती है। लेकिन ये सारा काम करने के बाद भी आपको एक कन्फ्यूजन होता है उस समय जब आप गूगल एडसेंस में अपना अकाउंट ऐड कर देते हैं और उसके बाद आप पैसा विड्रॉ करने के लिए जब अकाउंट ऐड करते हैं तो उसके बाद आपके मन में कई सारी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गूगल एडसेंस का प्रोसीजर बेसिकली होता है वो ये होता है कि आपको अगर अकाउंट ऐड कर दिए हैं तो 21 तारीख को आपको पैसा ट्रांसफर करता है, और 21 तारीख के बाद 4-5 जो वर्किंग डेज होता है उसके बीच में आपके जो दिया हुआ अकाउंट है उसमें आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 21 तारीख को पैसा तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं आता है। उसके लिए आपको 10 दिन 12 दिन वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं। वो पैसा अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी, सही IFSC कोड, सही जो BIC कोड है आपका, स्विफ्ट कोड है, वो अगर आप सही डिटेल भरे हुए हैं तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन आपको 21 तारीख के बाद भी पैसा नहीं आया तो आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि मेरा पैसा आया कि नहीं आया। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप गूगल एडसेंस में जाकर किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर आपके पैसा बैंक में ट्रांसफर हुआ है तो वो कितना हुआ है और कितना डॉलर हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जो है गूगल एडसेंस में कहां देखते हैं इसके बारे में मैं आपको A to Z वीडियो बनाकर पूरा आपको दिखाने वाला हूं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं कि जो गूगल एडसेंस का जो पेमेंट का सारा प्रोसीजर होता है, सारा जो मेथड्स होते हैं, वो किस तरीके से चेक करते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा एडसेंस ट्रांसफर किया, कितना नहीं किया। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गूगल एडसेंस से पैसा निकालते हैं तो आपको कौन कौन सी डाउट्स आती है और आपको कैसे क्लियर करना है उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है चेक योर रिसेंट पेमेंट्स का ऑप्शन आया है जो कि गूगल पेमेंट्स का है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो कह रहा है कि वी सेंट अ पेमेंट फॉर अ एडसेंस पब्लिशर अर्निंग टू द इतना डेट, यू हैव नॉट रिसीव्ड योर पेमेंट विद इन 5 business days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ईमेल, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर द मोर डिटेल। तो जब आपको पैसा ट्रांसफर कर देता है तो उस ट्रांसफर डेट के बाद 5 दिन जो है बिजनेस डे में देख लीजिए, अगर उसके बाद अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं आता है देन आप जो है बैंक में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब ऐसा मेल आ जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है नीचे आपको साइन इन का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं आपका गूगल एडसेंस पे है सीधा जो है आपको लेके जाएगा। अगर आप उससे लॉगिन होंगे तो फिर डायरेक्टली आपका लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट पेमेंट है आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि $151.62 है और रिसेंट जो पेमेंट है वो आपका $21.49 है, ठीक है। तो लास्ट पेमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ये लास्ट पेमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है जो आपको लास्ट पेमेंट दिखा रहा है। मतलब ये सोचिए कि जो आपका लास्ट पेमेंट है वो आपका यहाँ पे दिखाएगा और इतना ही पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि आपके अकाउंट में ये बैलेंस गया है कि नहीं गया, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू पेमेंट्स पे जाना है। जैसे ही व्यू पेमेंट्स पे जाते हैं आपको एक इस प्रकार का इंटरफेस खुलने लगता है। जैसे ही आपका इंटरफेस खुलता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका $151.62 जो है आपका पैसा ट्रांसफर है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन आप देखते हैं। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन आप देखते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको आएगा, ठीक है। October 2019 ऑटोमेटिक पेमेंट वायर ट्रांसफर टू द बैंक, ऐसा अगर आ गया और इसके सामने जो माइनस में हो गया मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो गया है। जब आपके इंटरफेस पे जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में इस प्रकार का इंटरफेस दिखने लगेगा तो ठीक है। तो आप क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक नया जो है आपका टैब खुलेगा, ठीक है। नया टैब खुलेगा तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस प्रकार का कुछ डेटा जो है आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पे दिखा होगा, सारा डिटेल आपको दी होगी। मैं ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये पर्सनल है थोड़ा, तो इसलिए मैं ब्लर कर रहा हूँ, तो इसको आप नहीं देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपकी अंतिम ट्रांजेक्शन है वो कितनी है, तो $151.62 है। तो इस तरीके से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पेमेंट पैसा आया कि नहीं आया, यानी कि आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है कि नहीं कर दिया गया है। अगर आपके बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होगा तो आप जो है ये बिलिंग पेमेंट जो है सारा डेटा जो है यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन उठा सकते हैं और यही इन्फॉर्मेशन आपको बैंक में देनी होती है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि कितना पैसा आपके ट्रांसफ़र कौन महीने में हुआ है, ठीक है। और मेन जो है आपका यहाँ पे कि लास्ट पेमेंट आपके अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र हुआ है जो यहाँ पे नीचे विजिबल हो रहा है, और ये जो रिसेंट पेमेंट्स है। तो इस तरीके से आप जो है कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं और आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा जो है वो कितना
ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से आप जरूर चेक करें। तो देख लिया आपने कि अगर आप गूगल एडसेंस से जुड़ी कुछ समस्या और जानकारी अगर आपको नहीं रहती है तो आप इस तरीके से जाइएगा गूगल एडसेंस में, तो चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से महीने में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ और आपके अकाउंट में अभी कितना बचा हुआ है, ताकि आप जो है आगे उस चीज़ को विदड्रॉ कर सके। तो इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कई सारी को प्रॉब्लम्स होती है, कई सारी को समस्याएं होती है। तो अगर दोस्तों जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ और मुझे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टा ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।